तो आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर बताइए इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आ रही हैं? हाँ गुड आफ्टरनून नेहा जी। तो देखिए आज टीसीएस के रिजल्ट्स कल बहुत शानदार थे और आज एक कोरिलेशन से कुछ कंसर्टेड सेलिंग है इन मिड कैप एंड आईटी स्टॉक्स। मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है आज दोपहर तक या कल वी विल स्टार्ट टू सी द मार्केट रिज्यूम इट्स अप ट्रेंड। और आईटी में यू शुड नॉट इग्नोर द बेस्ट स्टॉक्स विच आर अवेलेबल। तो तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। गो अहेड। तो सबसे पहले लीजिए एम्फोसिस। मैंने पहले भी कहा था 3045-50 है एम्फोसिस के। बीएफएसआई में नंबर्स बहुत शानदार होंगे। 2975 का स्टॉप लॉस रखिए, 3300 का टारगेट। एम्फोसिस विल बीट ऑल एस्टिमेट्स ऑन दी अपसाइड। दूसरा बाय होएगा एचसीएल टेक द लार्जेस्ट हैवीवेट। 1125 का भाव है, आप लीजिए। इसमें 1110 का स्टॉप लॉस, 1210 इसको मिल जाएंगे। इसमें डिविडेंड भी है 21 तारीख को, तो फ्यूचर डिस्काउंट पे है। बट यू विल सी द बेस्ट नंबर्स फ्रॉम एचसीएल टेक बिकॉज दे हैव एन अनहेज्ड पोर्शन ऑन द डॉलर। और तीसरा होएगा जो मुझे लगता है यहां से बहुत अच्छे रिटर्न देगा एसबीआई कार्ड्स। 840 का भाव है, 818 का स्टॉप लॉस रखिए, 875 to 880। लास्ट टाइम भी मैंने आपको 830 पे कहा था, ये 875 गया है। तो आज 840 पे फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 818 का स्टॉप लॉस, 870 to 875 का टारगेट ऑन एसबीआई कार्ड्स। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मार्केट में जहां आज फिर से प्रेशर लगातार दूसरे दिन दिखा है वहां पर इतनी बेहतरीन पिक्स रखने के लिए। तो वंस अगेन आईटी स्पेस में जैसे कल भी भसीन सर ने कहा था उनका भरोसा कायम है, बरकरार है, एम्फेसिस पर उनका फोकस है। मौजूदा स्तर पर एंट्री की सलाह 2975 का स्टॉप लॉस और 3300 तक का वो टारगेट आने वाले समय में बनता देख रहे हैं। एचसीएल टेक यहां पर भी मौजूदा स्तर के आसपास खरीद की रिकमेंडेशन, 1110 का स्टॉप लॉस, 1200 से 1210 का इवेंचुअल टारगेट सर बनता हुआ देख रहे हैं। और एसबीआई कार्ड यहां पर उन्होंने पहले भी रिकमेंडेशन दी है अपनी पिक्स में, इसको शामिल किया है। 818 का स्टॉप लॉस, 875 से 880 तक का लेवल वो इसमें बनता हुआ देख रहे हैं। तो भसीन सर की बेस्ट पिक्स हैं आपके सामने।